हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑड और इवन जो फंक्शन होते हैं उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ये चेक करेंगे कोई दिया हुआ फंक्शन ऑड है या इवन है, या ऑड इवन में से कुछ भी नहीं है, नाइदर ऑड नॉर इवन है। मेरा पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ऑड और इवन फंक्शंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल सा क्या तरीका है कि जो भी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पहला काम क्या करना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है। ठीक है, इसका एक वीडियो है जिसमें ऑड और इवन को अच्छे से समझाया गया, वो पहले देख लीजिए, फिर ये समझ में आएगा आपको। तो माइनस एक्स रखते हैं, फिर यहाँ पे जहां जहां भी एक्स होगा इसमें उस एक्स के जगह पर माइनस एक्स हम लोग रिप्लेस कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये फिर आ गया एक्स स्क्वायर। हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन आया वो इक्वल टू, यहां पे तो ये आ गया कितना एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि ये आ जाए आपको माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, जैसे कि यहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पे अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स होल क्यू इक्वल टू माइनस एक्स क्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही होता है कि जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया तो ये हो गया क्या, इवन फंक्शन। ठीक है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया फिर वापस से तो ये हो गया ऑड फंक्शन। बस इतना सी बात है, इतनी सी बात है, इसी को यूज करके हम लोग कोई भी प्रॉब्लम होगा ऑड इवन का तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग डालेंगे क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस एक्स, जहां जहां भी एक्स होगा इस क्वेश्चन में उसके एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखेंगे। और ये एक अच्छी आदत यहां पे डालिए कि इसको हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा तो कभी भी कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस एक्स का स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वापस से। और फिर साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ये तो पता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो इन टू ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, दिस इक्वल टू टोटल, ये माइनस को बाहर ले आए तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये फिर से हो गया, ये क्या है मेरा, ये वही एफ ऑफ एक्स है, तो दिस इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो गया क्या, फिर से एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको कौन सा फंक्शन हम लोग बोलेंगे, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे होल्ड की, ये वाली एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो दिस इक्वल टू ऑड, यानी कि ये फंक्शन जो यहां पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हमारा ऑड फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो अब यहाँ पे इसके ऑड और इवन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना ई टू द पावर एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स। ये गुड प्रैक्टिस है, हमेशा ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, जब भी रिप्लेस करते हैं तो ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स के जगह पे कितना होगा, माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर प्लस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई टू। इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं इस तरह से, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो ये यही फंक्शन है, यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, ये एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स कि ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको भी सेम मेथड से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, दिस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स के जगह पे क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी मैं बताया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये स्टैंडर्ड थिंग है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स दिस इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा, फिर ये माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो ये जैसा है
तो हमेशा कॉस यहां पे क्या देगा, पॉजिटिव कॉस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे कि ये फंक्शन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मेरा एफ ऑफ एक्स है कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं है, ये माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको आप अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी अपना एफ ऑफ एक्स नहीं है। यानी कि ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं हो रहा है, और ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स यानी कि इस दोनों में से कोई भी चीज यहां पे नहीं हो पा रहा है। इट मींस कि ये जो फंक्शन है ये ना तो ऑड है ना ही इवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को चेक करना है इसके ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ये दोनों में से कोई भी नहीं है। तो सिंपल फिर से हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। तो दिस इक्वल टू वन प्लस, और मैं बताया हूं कि जब भी रिप्लेस करते तो हमेशा ब्रैकेट में लिखिए इस तरह से माइनस एक्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कम होगा। फिर माइनस एक्स दिस स्क्वायर, ठीक है, और ये सब रूट के अंदर है, माइनस हो जाएगा वन माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये भी रूट के अंदर है। सिंपल, मैंने क्या किया, बस एक्स के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। दिस इक्वल टू वन, ये हो जाएगा क्या, माइनस एक्स, और ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया रूट ओवर। फिर माइनस यहाँ पे वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, तो दिस इक्वल टू प्लस एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस और माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये टर्म क्या है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, और ये क्या है, ये टर्म यहां पे वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या कीजिए, यहां पे कॉमन ले लीजिए माइनस। ठीक है, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा माइनस और ये टर्म हो जाएगा प्लस। इसको पहले लिख लेते हैं, तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, फिर माइनस ये टर्म यहां पे हो जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, ये टोटल यहां पे क्या है, जो ये था यहां पे वही फंक्शन है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, दिस इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या था यहां पे, एफ ऑफ माइनस एक्स। इट मींस दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। इसको भी सिंपली हम लोग को चेक करना ऑड इवन के बारे में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे लॉग जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। इसको आप देखते भी वैसे बता सकते हैं ये कौन सा फंक्शन है, फिर भी यहाँ पे चेक कीजिए, वन माइनस एक्स के जगह हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो दिस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स। ठीक है, ये जो था यहाँ पे ऊपर में वो आ गया यहाँ पे नीचे में, जो यहाँ पे नीचे में था ये आ गया यहाँ पे ऊपर में, तो लॉग का प्रॉपर्टीज तो आप जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, लॉग ए बाई बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है ना। तो यहाँ पे अब इसको इस तरह से, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज होता है लॉग का, इसको अब यहाँ पे क्या कीजिए, दिस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई बी टर्म है तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, तो लॉग ए यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स, ये मैं समझने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, माइनस लॉग, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फिर भी ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वन माइनस एक्स। ठीक है, और फिर मैं इसको क्या करूँ कि माइनस इसमें से अगर कॉमन ले लूँ तो ये टर्म पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग वन माइनस एक्स, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा माइनस लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, तो ये हो जाएगा लॉग, अब ए इसके लिए क्या हो गया वन माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स, बी हो गया कितना इतना। तो अब ये देखिए कि लॉग वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स, ये वही टर्म है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था। इट मीन्स दिस इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पर हम लोग निकाल क्या रहे थे, एफ ऑफ माइनस एक्स। इट मीन्स कौन सा फंक्शन है ये, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन।